पंजाब हुकूमत का कायमा कमेटियों के अराकीन की तादाद बढ़ाने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस्तेहकाक कमेटी के अराकीन की तादाद 14 से 17 करने पर गौर। दीगर कायमा कमेटियों के अराकीन की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 करने का फैसला। मुजवजा तरामीम असम्बली के कल होने वाले अजलास के एजेंडे पर मौजूद। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ्त। प्रोडक्शन ऑर्डर के इख्तियार की तरमीम कल असम्बली में पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर तय। हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों के मामले पर बुध के रोज़ बैठक। हमजा शहबाज को पीएसी की चेयरमैनशिप देने का मामला ज़ेरे गौर आएगा। ईसीएल में नाम डालने के मामले पर पीपल्स पार्टी की जारहाना पॉलिसी तैयार। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर के नाम ईसीएल में डलवाने के लिए अदालत से रजू करने का फैसला। पीएमएस एसोसिएशन का सालाना इंतखाब, पोलिंग का अमल जारी। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन और प्रोग्रेसिव पैनल ग्रुप मद्दे मुकाबिल। सदर के ओहदे के लिए नवीद शहजाद और सैयद जफर हुसैन आमने सामने। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर बार एसोसिएशन की सदारत का ताज हामिद खान ग्रुप के सर सज गया। सदर के नशस्त पर आसिम महमूद चीमा 2585 वोट लेकर कामयाब। आसम जहांगीर ग्रुप के अवैस अहमद काजी 1830 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जनरल सेक्रेटरी के नशस्त पर मलिक मकसूद 2020 वोट लेकर कामयाब। हामी वकला का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर बार एसोसिएशन इलेक्शन सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर एजाज बसरा 2437 वोट लेकर कामयाब। नायब सदर लाहौर बार मॉडल टाउन सीट पर सैयद मुश्तबा कासमी 3884 वोट लेकर कामयाब। नायब सदर लाहौर बार कैंट सीट पर राना मंजूर 2357 वोट लेकर कामयाब। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त 3422 वोटों के साथ राना नुमान अली ले उड़े। समीउल हक ने 3394 वोटों के साथ लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त जीत ली। जरगाम भट्ट 1874 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब। मिशन क्लीन लाहौर फेज 2। बादामी बाग, सब्जी मंडी मुल्तान रोड और कहना काचा मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्तान रोड मंडी से चार केनाल सरकारी अराजी बागजार। बादामी बाग मंडी की राहदारियों से 100 थड़े और 10 खोखे मिसमार। कहना मंडी में दौरान ऑपरेशन 200 थड़े और 20 खोखे गिरा दिए गए। सिंहपुरा मंडी और रायवंड सब्जी मंडी में ऑपरेशन आइंदा 2 से 3 रोज में किए जाने का इम्कान। इंतजामिया बेबस, एलपीजी की ब्लैक में फरोख जारी। शहरी महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर। गैस प्रेशर मध्यम होने से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत गैस की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियां मार्केट रेट से महंगी। सिंहपुरा मंडी में आलू 15 रुपए किलो, टमाटर 35 रुपए, शिमला मिर्च 74 रुपए, करेले 66 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 6 रुपए के इजाफे से 152 रुपए किलो फरोख्त हुआ। सर्दी की लहर तेज होने पर लंडा बाजारों में रश। जैकेट, जर्सियां, जुराबें, मफलर, जोगर्स और स्वेटर्स की कीमतें मजीद बढ़ गयी। शहरियों का गर्म कपड़ों की कीमतें कम करने के लिए भाव उठाओ। दारुल उलूम हनफिया में कुल मुसालिक उलमा बोर्ड का अहम इजलास। साल 2019 को दहशतगर्दी और फिरकावारियत के खात्मे के तौर पर मनाने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के साथ हैं आसिम मख्तूम। प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात का मामला सुपरवाइजरी स्टाफ की तरबियती सेशंस में शिरकत लाजमी करार। इम्तिहानात के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत 21 जनवरी से शुरू होगी। लाहौर में 504 सेंटर्स कायम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को मरासला जारी कर दिया गया। छुट्टी का रोज और मौसम भी सर्द, किचन की भी छुट्टी। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में नाश्ता पॉइंट्स पर रश। शहरी बोंग पाए, हलीम निहारी और अंडे चुने से लुत्फ अंदोज होने लगे। जोश
جوش و جذبہ، داؤ پیچ اور پھرتی کا کمال، پاک بھارت کبڈی ٹاکرا آج پاکستان گرین اور بھارتی ٹیم کے درمیان سپہر 3 بجے جوڑ پڑے گا۔ شائقین کو روایتی حریفوں کے درمیان میچ کا شدت سے انتظار، میچ کی تیاریاں عروج پر، شائقین کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ چھٹی کے روز بچوں اور بڑوں کا گورنر ہاؤس کی سیر کا خصوصی پلان، سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے فیملیز کی آمد کا سلسلہ جاری۔